हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टाइप की नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिखाने वाला हूं कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, ये कुर्ती मैंने बनाई है और इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जो लोग घर बैठे काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और ये क्लासेस आपकी पेड क्लासेस में होगी। और जो लोग कटिंग करने में जिनको डर लगता है तो वो हमारे अमीना बुटीक की पेपर कटिंग्स भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। दोस्तों, जो कुर्ती मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर जो कपड़ा लगेगा वो है 2.5 मीटर और कपड़े की जो चौड़ाई है वो है दोस्तों इसकी 40 इंच। चौड़ाई कहते हैं हम इसको, इस तरीके का जो कपड़ा होता है इसको ओपन करने के बाद इसको हम चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। ये 40 इंच के 2.5 मीटर कपड़ा, और जिस मेजरमेंट से मैं कटिंग करूँगा दोस्तों स्क्रीन पे आपको मेजरमेंट दिखता होगा, इस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे चोली की लेंथ जो कि है 15 इंच, ठीक है। कपड़ा हमारा इस तरीके से डबल में फोल्ड होगा तो हमें इसकी चोली की जो लेंथ है उसको उतार लेना है। तो 15 इंच की जो लेंथ है हमें यहाँ से इंची टेप रखना है, 15 की लेंथ है तो तकरीबन 16 इंच के आसपास कटिंग करना है। तो 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसको हम ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको कर लेंगे दोस्तों सीधा कटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो कपड़ा है उसको उतार लिया हाफ करके। अब देखिए, सबसे पहले कपड़ा उतारने के बाद ना इसको एक बराबर यहाँ पर करना है और इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रेस लगा लेना है। तो हम यहाँ पर जो है इसको प्रेस लगा के क्रीज बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने यहाँ पे क्रीज बना ली, इसको हम इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेते हैं क्रीज बनाने के बाद। और जो बंद वाली साइड है वो हमें ऊपर रखना है, देखें इस तरीके से, क्योंकि हमारी बाजू आराम से यहाँ से निकल जाएगी इसलिए हमने इसको बंद वाली साइड रखा है। बाकी जो कपड़ा बचा है ना वो सारा का सारा आपका चुन्नट में या प्लेट में चला जाएगा। तो देखिए, हमने इसको डबल मिला के रख लिया, इस पे हम हल्की सी प्रेस लगा देते हैं। ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले जो हमें निशान लगाना है वो नीचे की साइड में लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया, ठीक है। यहाँ से जो हम चोली की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 15 इंच, तो 15 है तो हम यहाँ पे 15.5 पे निशान लगा लेते हैं, देखिए। और यहाँ पे एक निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। बैक गला हमारा इसमें बनाएंगे हम 4 इंच का, तो इसके आर्म लेंथ रखेंगे हम 7.5 इंच, ठीक है। इसको भी हम सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों, ये देखिए दोनों निशान को सीधा लगाने के बाद, तीरा इसके अंदर जो है वो 14.5 है, ठीक है। बैक गला 4 है तो 14.5 है, तो उसका हाफ रख देना है, कोई भी बाजू का मार्जिन ऐड नहीं करना। सेम मेजरमेंट नीचे भी रखेंगे और यहाँ से तकरीबन 1 इंच कम करके एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। चेस्ट है 20 इंच की तो 20 का आधा हो गया 10। कमर है दोस्तों हाफ में 17 इंच की, तो हाफ हो गया आपका 17 का 8.5, ठीक है। इन दोनों को हम स्केल की मदद से इस तरीके सीधा निशान उठा लेंगे और जितना मार्जिन आप देना चाहते हो वो मार्जिन दे दें। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाला जो निशान है इसको बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। गले का जितना ब्रॉड आप रखना चाहते हैं, मैं रखूँगा 5.25, तो उसका हाफ रखेंगे 3 इंच में एक सूत कम। यहाँ से कंधे डाउन करेंगे हम तकरीबन यहाँ से 1 इंच में एक सूत कम, ठीक है। इसको हम डाउन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जहाँ डाउन करा है इधर वाले निशान को आप उससे मिला देंगे। दोस्तों मिलाने के बाद ये चौक की मदद से आपको यहाँ पे जो है हल्का सा ऐसे करके राउंड दे देना है, यहाँ पे हल्का सा फ्रंट वाला राउंड दे देना है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे पूरा निशान लगा दिया। कटिंग करने के लिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है, क्योंकि ये मार्जिन है इसलिए। इधर वाली साइड में दोस्तों आपको सीधा कट करना है, फिर इसको यहाँ पर डाउन में कट करना है और बैक वाले निशान पर दोस्तों हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ सेम ऐसे, फिर इसको नीचे तक सेम कटिंग कर लें। दोस्तों कटिंग करने के बाद ये हिस्सा बचा बाजू निकलेगी, यहाँ पे देखिए गले के ब्रॉड का निशान, ये हो गया चेस्ट का निशान और ये हो गया कमर का निशान, ठीक है। ये आपके साइड का। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो साइड है फ्रंट की, आप इसको भी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी चोली का पार्ट है फ्रंट बैक का, ये कटिंग हो चुका है, इसको हम फोल्ड करके अलग रख देते हैं। अब दोस्तों हमें करनी बाजू की कटिंग, तो हमारे पास जहाँ से हमने आलमोंड निकाला था इसको लेना है, इधर किनारी वाली जो साइड है इसको मिला लेना है। ये सिर्फ कोनी तक की बाजू बना रहे हैं हम, आपको अगर बड़ी बाजू बनानी है तो वो इसके लिए कपड़ा आपको अलग से लेना पड़ेगा, जिसका कपड़ा होगा 3 मीटर के आसपास, ठीक है, क्योंकि उसी में आपकी बड़ी बाजू निकलेगी वरना छोटी बाजू निकलेगी। तो 2.5 मीटर कपड़े में मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें बाजू आपकी सिर्फ इतनी ही निकलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों किनारी है तो हम फोल्ड इतना ही रख लेते हैं। 11 इंच की लंबाई है तो यहाँ पे 11.5 का निशान लेंगे यहाँ से, और एक निशान लगा लेंगे 3.5 पे आर्म लेंथ का निशान लेंगे, और इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बाजू की मोरी है वो है, जिसे बॉटम भी कह सकते हो आप, गोलाई 5.5, और यहाँ पे दोस्तों हम लेंगे 7.5 इंच, और इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे और निशान उठा लेंगे, ठीक है, ये निशान बाजू का हो गया। अब यहाँ पे हम बाजू की कटाई कर लेंगे, ये देखें दोस्तों इस तरीके कटाई हो गई। अब यहाँ पर इसको दोस्तों बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। ये कपड़ा बचा हमारा गला बनाने के लिए, हम इसको अलग रख लेते हैं। एक कट यहाँ पे लगा लेंगे, एक कट आपका ये हो गया, और फिर इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसकी फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी बाजू भी कटिंग हो गई, चोली बाजू कटिंग करने के बाद अब हमें जो है कपड़े को कटिंग करना है। तो कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करके बिछाना है मैं पहले सेट कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। उसके बाद मैंने ये जो निशान लगाया ऊपर, ये सीधा करने के लिए लगाया, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला निशान आपका मार्जिन का हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो चोली की लंबाई वो है 15 इंच, तो 15 इंच का जो निशान है वो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमारा मार्जिन होगा। यहाँ से हमें लंबाई नापना है, हमारी 46 इंच लेंथ है, तो यहाँ पर हमने देखिए सीधा निशान लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जितना कट करना है फोल्ड के लिए हम कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इस निशान पे कटिंग कर लेना है। ये देखिए यहाँ से कपड़ा सीधा हो गया। फिर नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे आपको जितना फोल्ड का चाहिए उतना कटिंग कर लें। दोस्तों ये कटिंग कर लिया, अब इसको जो है हम आगे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे किनारी है, किनारी में हमेशा खिंचाव होता है, तो मैं किनारी को कटिंग करके अलग कर देता हूँ। तो ये दोस्तों कटिंग हो चुका, और 2.5 मीटर कपड़े में जो हमारे पास कपड़ा बचा है खर्चे के लिए वो सिर्फ ये बचा है बाजू की तरफ से जो बचा था। और आपको अगर बड़ी बाजू बनानी है तो 3 मीटर कपड़ा लें, तो ये नायरा स्टाइल आपका इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। स्टिचिंग करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं नेक कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों नेक मैंने कटिंग कर ली है, इसको कैसे बनाना है तो चलिए मशीन पर चल के आपको सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक जमा लिया हमने, अब हम यहाँ पे बनाएंगे। उससे पहले इसको हमें इस तरीके से करना है, वो जो हमने कट लगाए थे साइज के, इसको इंचीटिव की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे, ये हमारी फिटिंग का निशान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे हम अपने गले को जमाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम इसको बिल्कुल उसी तरीके से बना लें। यहाँ पे हम नेक बना चुके हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे लेस, ठीक है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हल्का पक्का करके, जैसा वी नेक है बिल्कुल उसी के बराबर इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये जो गला है इसकी गोलाई में इस तरीके से निशान लगाते हुए आते हैं हम, और तकरीबन यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, या आप हिसाब से देख लेना,
जहाँ भी आपको लेना हो इसके नीचे हम इस तरीके से सीधी लेस ले आएंगे। तो चलिए लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आपको ये लगाना है। इसके लिए सिंपल लेस को वैसे ही रखना है, ये देखिए, और यहाँ सिलाई लगाएंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने बैक का गला बना लिया, अब इसके कंधे को जोड़ेंगे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है, कंधे को, और यहाँ पर इसको मिलाकर इस कंधे पे सिलाई लगा लेनी है, ये देखें इस तरीके से, और इसको कर देना है अब फोल्ड। ये हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ हमें सिलाई लगा के उतार लेना है। तो ये एक सिलाई लग गई, अब दूसरी सिलाई से इसको पक्का करेंगे और यहाँ पर उतार देंगे। अब दोस्तों इसको पक्का करने का जो भी फालतू कपड़ा है इसको कटिंग करके यहाँ पे कंधे पे हम ओवरलॉक कर लेंगे और दूसरे कंधे को भी सेम जोड़ लेंगे। तो अब जो हमने कपड़ा कटिंग किया था लंबाई में, सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसे ध्यान से देखें, ये हमने लंबाई में कपड़े को कट किया था। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, सेंटर वाला हिस्सा है, हमें क्या करना है, एक, दो, तीन और चार। तो हमें क्या करना है, उल्टी वाली साइड है ये, हमें इसको ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको निशान बना लेने जो आपकी उल्टी साइड है। जैसे मैं यहाँ पे निशान बना लेता हूँ, इसमें से मैं एक कपड़ा लेके आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लेंगे, और जो ऊपर वाली साइड थी ना दोस्तों, जहाँ पे हम चोली में जो अटैच करेंगे, इधर वाली साइड में आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है, और ये सिलाई आपको फोल्ड करते हुए नीचे तक आना है, फिर इधर से भी फोल्ड करते हुए यहाँ तक आना है, और ये वाला हिस्सा फोल्ड करते हुए यहाँ तक आना है। जो हिस्सा आपका चोली में अटैच होगा, यानी कि कमर में अटैच होगा, प्लेट आएगी, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। तो चलिए ये हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, और दूसरा हिस्सा भी सेम फोल्ड होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे साइड में फ़ोल्ड करके दोनों तरफ लेस लगा दी, ठीक है, और नीचे की तरफ हमें सिंपल में हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको हम ऐसे रखते हैं, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कट लगा के निशान लगा लिया, जिससे कि आप ईजी देख पाएँ। और ये जो निशान है आपका, ये देखो फ्रंट वाली जो ये साइड है ना दोस्तों, इस साइड में आपका जुड़ेगा। तो इसका भी हम सेंटर बना लेते हैं, ये साइड आप देख सकते हैं, इसकी हम सेंटर बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग नहीं करी, आप साइड फिटिंग भी पहले कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कट दे रखा है मैंने दोस्तों, ये है कमर का निशान दोनों तरफ, हमें इन दोनों के बीच में ही इसे फिक्स करना है। यानी कि देखो आप ध्यान से समझो, ये दोनों निशान, इसका ये सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया। ये प्लेटें आपकी इस तरीके से प्लेटें आपको डालते जाना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्लेटें डालते हो, ये जो निशान है ना वो आपका इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये फिटिंग बंद हो जाएगी, ये हिस्सा इतना ओपन रहेगा। ऐसे सेम दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, यहाँ भी आपको इस तरीके से प्लेटें डालते जाना है, ठीक है, प्लेटें एक ही तरफ से डालना है, जो भी आप डालना, बस आपका सेंटर मिलके इस तरीके से ये आपके आ जाएगा। आप यहाँ पे चुन्नट भी डाल सकते हो, प्लेट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें प्लेट डालेंगे, नायरा में ज़्यादातर प्लेट डलती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं एक बार कि यहाँ पर कितना ये आ रहा है निशान, यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। अब दोस्तों 8.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से तकरीबन 2 इंच छोड़कर, ठीक है, हम यहाँ पर इसको हल्की हल्की ऐसे प्लेट डालना शुरू कर देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्लेट डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे प्लेट डालेंगे तो ये जो निशान है आपका, ये तकरीबन इतना आ जाए, जो आपका 8.5 इंच के आसपास का निशान आ रहा है, जो आपको मैंने बताया था, इस तरीके से 8.5 पे आ जाना चाहिए। तो प्लेटें कैसे डालनी, चलिए मशीन पर चल के आपको बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों 2 इंच का निशान है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन इसे उठा के ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ लगाता हूँ सिलाई, और थोड़ी बड़ी सिलाई लगा रहा हूँ ताकि अगर मान लो खोलना पड़ जाए तो इजी खोल पाऊँ, क्योंकि एक बार में सही ना बैठ पाए इसलिए। अब देखो मैं जितनी गैपिंग में डाल रहा हूँ, बस उतनी गैपिंग में हम यहाँ पे प्लेटें डालते जाएंगे, ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब ये देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसे रख लेते हैं, ये हमारा सेंटर है। अब मैं एक बार इसको नाप के देख लेता हूँ क्या ये 8.5 इंच में आया या नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको नापते हैं दोस्तों, ये 8 इंच पे आ रहा है, 8.5 पे नहीं आया, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे 1/2 इंच का फ़र्क रह गया। तो आपको प्लेटें ये इस तरीके से डालनी कि 8.5 इंच में ही फिक्स आनी चाहिए। तो इसको आप हल्का सा 1/2 इंच आप सेट कर लो। तो हम दोबारा से प्लेट डाल लेते हैं और यहाँ पर इसको पूरे कमर के बराबर दोनों तरफ की प्लेटें डाल लेते हैं। तो चलिए दोनों तरफ की प्लेट डालने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम, तो मैंने दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों पल्लों में प्लेटें डाल दी हैं। अब इसमें एक आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको जोड़ना है। अब जैसे कि मान लो ये फ्रंट है, ठीक है, आपको ऐसे लेना है, ये सीधी साइड है, आपको इसको इस तरीके से रखना है। यहाँ पे जो कट देख रहे हो आप साइज़ के, इसको आप एक बार मेज़र कर लेना, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। अब दोस्तों बस आपको यहाँ पर रखना है, सिलाई यहाँ से लगनी स्टार्ट होगी और इसको ऐसे मिला के रखते हुए, ठीक है, आराम से ये जो कट है दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे मिलके आ जाएगा और आप देखेंगे बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ प्लेटें आ रही हैं। ये आपको एक दो बार डालोगे ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा, बस यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ लेना। जोड़ने के बाद दोस्तों ये फ्रंट वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, ऐसे बैक वाला जोड़ लेना, फिर यहाँ पर ओवरलॉक हो जाएगी। तो ओवरलॉक करने के बाद हम साइड फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके किनारे पे लगानी है एक सिलाई इस तरीके से, जिससे कि फिनिशिंग में बैठ जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई इस तरीके से लगानी है पूरे में, और सेम सिलाई बैक वाले पल्ले पे भी लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझें। देखिए दोस्तों इस जगह पर हमने इस तरीके से फोल्ड इसलिए किया है कि अगर मान लो आपको यहाँ से कमर लूज़ करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लूज़ करके इस वाले हिस्से को खोल के थोड़ा इधर खिसका देना। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको टाइट करनी है तो आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इधर की सिलाई लगाने का तरीका। तो हमें देखिए इसको ऐसे मिलाना है और यहाँ पर इसको हल्का पक्का करना है और इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों इस पर सिलाई इस तरीके से हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कट है इसके बराबर लाके इसे हल्का पक्का करना है और उतार देना है। यहाँ पर एक सिलाई लग गई, एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा लो लूज टाइट के लिए और सेम सिलाई आपको इधर भी लगा लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेरे को बैक गले में जो है सिलाई लगानी है, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि कंधी जब हमने जोड़ी थी उसके बाद हम जब इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हल्का पक्का करके इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे पक्का करके उतार देंगे। और दोस्तों ये लगाने के बाद अब हमें बनानी है बाजू। तो बाजू बनाने के लिए दोस्तों मैं इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे अपने नॉर्मल कमीज़ के अंदर हम बाजू चढ़ाते हैं बिल्कुल सेम बाजू इसमें चढ़ा लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें बैक गले में तुरपाई करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है ना कोहनी तक वाली लेस लगा दी, लटकन वाली, थोड़ी अच्छी लग रही है। और आप ये देख सकते हो अंगरखा स्टाइल मैंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे देखिए प्लेट लगने के बाद ये आपका इस तरीके से नायरा बन गया। और साइड में होना थोड़ा सा, ये वाली जो साइड है दोस्तों यहाँ पर मैंने डोरी नहीं लगानी, यहाँ पर डोरी लगती है तो इसकी एक लुक आती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना। वो प्लेन कपड़े में है, ये प्रिंटेड कपड़े में है और इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये पूरा नायरा है जो कि कमर तक होती है। और अगर किसी को कमर तक ये नहीं पहनना तो इसको पकड़ के ना दोस्तों जहाँ तक बंद करना है आप यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा सकते हो, ये हिस्सा आपका बंद भी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से लुक में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार घूम के दिखा दूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से नायरा की पूरी पूरी लुक आती है। तो आप देख सकते हैं ये नायरा स्टाइल की कुर्ती है जो आपको मैंने बना के दिखाई स्टेप बाय स्टेप। आपको ये कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।